क्लास 12th में बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशन का चैप्टर स्टार्ट किए हैं, तो आज की जो टॉपिक है वो स्टेप है बायोटेक्नोलॉजी की। आखिरकार वो किस क्रम में हम आरडीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो कैसे बनाएंगे, किस स्टेप को फॉलो करेंगे, और जो हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए कैसे होने वाला है, वो सब आपके सामने जस्ट स्टेप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी जो जैव प्रौद्योगिकी के चरण हैं, आप किस स्तर पर कौन से स्टेप आप करते जाओगे, आप एट लास्ट अपना प्रोडक्ट जिसकी तलाश आप कर रहे थे, जिस चीज़ को आप बनाना चाह रहे थे, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो हमारे साथ कंटिन्यू 2-4 मिनट यानी 5 मिनट में ये स्टेप समझ लीजिए, जिससे हम हर एक पॉइंट को आपको क्लियर करते चलेंगे। तो आज केवल हमें समझना है आखिरकार वो स्टेप क्या है, उस स्टेप का सेंस क्या है, भाव क्या है, मतलब क्या होता है। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर जीन, या हम कह सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि हमें भाई किस प्रकार का जीन चाहिए, हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट को बनाने वाले जीन को हमें निकाल लेना है, आइसोलेट कर लेना है, ठीक है। इच्छा अनुसार अपनी जीन को या जिस जीन की ज़रूरत है उसे आप निकाल लेंगे। पहला स्टेप हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट, वांछित डीएनए आप निकाल लेंगे अपनी इच्छा अनुसार। दूसरा स्टेप आपके पास आ रहा है भाई फ्रेगमेंटेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन। जो आपने जीन आइसोलेट किया है, डिज़ायर्ड जीन यानी इच्छित जीन, जिस जीन खंड की आपको इच्छा थी, तो आप भाई डीएनए तो पूरा निकालोगे, मतलब जो सेल के अंदर अगर डीएनए है तो डीएनए को तो आप पूरा निकालोगे इसको, तो इसमें से आपको कोई पूरा तो डीएनए आप चाहोगे नहीं, आपको भाई स्पेशल खंड चाहिए, मुझे इतना जीन चाहिए, ये वाला टुकड़ा चाहिए। तो इस चीज़ को आप कैसे प्राप्त करोगे इतने खंड को, तो ये आपका डिज़ायर्ड जीन हो गया, जीन आप इंटरेस्ट हो गया, ये वाला जितने की आपको ज़रूरत है उतना। तो आप क्या करोगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है, उससे उसको क्या करोगे, काट काट करके इस डीएनए का पूरा फ्रेगमेंट बना दो, खंडन कर दो, तोड़ दो, अच्छे से टुकड़े टुकड़े में बांट दो। अब जब आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से अपना डिज़ायर्ड जीन या उस फ्रेगमेंट को अलग, मतलब फ्रेगमेंट कर दिए उस डीएनए खंड को, डीएनए को, तीसरे स्टेप में आपका आ रहा है भाई सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट डिज़ायर्ड जीन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये सबसे बड़ी बात है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी आने वाले समय में कि ये है क्या, आखिरकार ये कैसे होगा, ये प्रोसेस क्या है। तो आप क्या करोगे, अब सारे फ्रेगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओगे, जिसमें से अपना डिज़ायर्ड जीन आप प्राप्त कर सकते हो वहाँ से। अब एक बात अभी और आपको बताई जाएगी भाई, जब डीएनए निकालोगे तो डीएनए के साथ में कोई अकेला डीएनए नहीं निकलेगा, उसके साथ अन्य चीज़ें भी निकलेंगी, यानी आरएनए भी होगा, प्रोटीन भी होगा, लिपिड भी हो सकती है, काफ़ी चीज़ें निकलेंगी। तो उसको क्या करेंगे आप भाई, उसको तो अलग करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको बताया जाएगा आप क्या डाल लोगे, कौन सा एंजाइम यूज करोगे, ठीक है ना, वो बात की बात है। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर पीसीआर करोगे, पीसीआर एम्प्लीफिके यानी एम्प्लीकेशन या यूजिंग आप पीसीआर पॉलीमरेज, क्या बोलेंगे इसको भाई, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, पीसीआर का पूरा नाम हो गया पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, यानी कि इसको जो आपका डिज़ायर्ड जीन था, फ्रेगमेंट था, जब आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस करा करके उसमें से अपने फ्रेगमेंट को आपने अलग कर लिया, पा लिए आप उस फ्रेगमेंट को जो जिसकी आप तलाश कर रहे थे, उस डिज़ायर्ड खंड को आपने जब पा लिया,
तो उसको आप अलग कैसे करोगे, पहचानोगे, उसके लिए आप PCR का यूज करते हो। तो पॉलीमरेज चैन रिएक्शन आपने कर लिया अगले स्टेप में, फिर उसके बाद लाइगेशन, लाइगेशन ऑफ जीन विद वेक्टर। जो आपने जीन खंड को निकाल लिया था, इस खंड को यहाँ से डिजायर्ड जीन से, तो उसका क्या करोगे आप, उसको लाइगेज एंजाइम से क्या करोगे, वेक्टर से जोड़ देंगे आप। वेक्टर से जोड़ करके क्या बना लेंगे, यहाँ पर RDNA बना लेंगे। मतलब क्या होगा, ये आपका वेक्टर था, वेक्टर को आपने क्या कर लिया, वेक्टर को आपने यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद यहाँ पर अपना डिजायर्ड जीन जो है, यहाँ पर लाइगेज एंजाइम से आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये आपका क्या बन गया भाई, RDNA बन गया, रिकम्बिनेंट DNA, यानी पुनर्योगज DNA आपका यहाँ पर फॉर्म हो गया, बन गया। तो वेक्टर यानी कि आप बैक्टीरिया से निकालते हो भाई उसका प्लाज्मिड, ठीक है ना, उस प्लाज्मिड को कट करके आप अपना DNA जोड़ करके बहुत सारे अभी आगे क्या करते हैं। अब इस RDNA को अगले स्टेप में क्या करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अदर होस्ट। इस RDNA को दूसरे जीव के शरीर में डाल देना है आपको। अब सोच रहे होंगे दूसरे शरीर में क्यों डालेंगे भाई, क्यों, क्योंकि आपको अकेले एक पर्सन के लिए तो बनाना नहीं, एक जीव में डाल दो मतलब एक लोग के लिए है, तो ये लार्ज स्केल में बड़ी मात्रा में आपको कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए, क्लोनिंग करवानी है उसकी, बहुत सारी फोटोकॉपी तैयार करनी है। तो फोटोकॉपी किस में तैयार करेंगे, जिसके पास रिप्लिकेशन पावर ज़्यादा है, रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा है। वो रिप्रोडक्शन रेट किसकी ज़्यादा होती है भाई, बैक्टीरिया की। पर 20 मिनट 18 मिनट में एक नई बैक्टीरिया तैयार होती है, तो उसी के पास यानी आप किसी दूसरे होस्ट में जब डालेंगे इसको, यानी बैक्टीरिया में डालेंगे, तो वहाँ पर क्या होगी, इसकी बहुत सारी फ़ोटो कॉपी मिल जाएगी आपको, बहुत सारी मिल जाएगी। तो अगले स्टेप में यही है कि कल्चर ऑफ होस्ट इन लार्ज स्केल। अब जब आपने बना लिया तो इसको बहुत बड़ी मात्रा में आपको तैयार करना है, तो आप क्या यूज करते हो भाई, बायो रिएक्टर आप यूज करोगे। बायो रिएक्टर का यूज करेंगे जब आपको बहुत ज़्यादा, यानी कि 1000 लीटर में एक 1000 लीटर का 500 लीटर वाला बायो रिएक्टर यूज करके आप लार्ज स्केल में ये जो RDNA तैयार कर लेंगे अपना, ठीक है। फिर इसके बाद इससे क्या प्राप्त करेंगे, लास्ट में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपको अपना जो जिस जो डिजायर जीन थी उससे जो प्रोडक्ट बनाने वाले थे वो आपको आठवें पॉइंट पे आपको अपना प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये एक स्टेप है बायोटेक्नोलॉजी सीखने का, ये सीक्वेंस है। तो इसी सीक्वेंस से हम लोग एक एक दो दो एक वीडियो में एक दो करके आराम से छोटा छोटा वीडियो करके आराम से आसानी से पढ़ेंगे, जिससे आपको सारी बातें समझ आती रहेंगी। तो आप चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, दोस्तों में शेयर कर दें। APS क्लासेस कुड़वार, स्पेशल बायोलॉजी अरविंद यादव के साथ। जय हिंद।